करके टेस्ट ऑल टाइम बेस्ट। आपने तो बहुत बार खाया होगा। मेरा जगह ही बहुत पसंद है, जो पनीर को एकदम टेंडर एकदम मस्त बनाया, बहुत अच्छा टेस्ट। और बाकी छोले का स्टफिंग है, इसकी वजह से थोड़ा वो जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाता है। और थोड़ा आचार के साथ भी खा के देखता हूँ करने के लिए। ओ, वंदे भारत का करेंगे। अरे बिल्कुल, वो एक सरप्राइज आएगा, बस थोड़ा सा रुकिए, बहुत बढ़िया सरप्राइज आएगा इसके साथ ही आएगा। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं जस्ट सुबह लोनावला जाके आया हूँ, एक्चुअली बाइक राइड करके आया हूँ। बाइक राइड मतलब मैं पीछे बैठा था, मैं दोस्त के साथ गया था। तो जो मुलशी है, एमबी वैली रोड है, उसके बाद टाइगर पॉइंट है, वो सब मैं घूम के आया बारिश में मस्त। और भाई काफी ज्यादा मजा आया। अभी आप ये जो व्लॉग देख रहे हो ना, तो वो जो लोनावला का व्लॉग है वो तब तक आ भी गया होगा, तो आप जरूर वो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी शाम हो रही है और मेरा एक यूट्यूबर दोस्त है मल्हार कुलकर्णी करके, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और उसके चैनल का नेम है एमके व्लॉग्स करके। तो एक्चुअली काफी सारे यूट्यूबर है जिनको मैं मतलब जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मल्हार उसमें से एक है, मतलब मेरे से 2 साल छोटा है पर इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया है। मतलब बंदा पूरा इंडिया घूमता है ट्रेन से, सोलो ट्रैवल करता है और इतना मस्त कंसिस्टेंटली अपलोड करता है, क्वालिटी कंटेंट रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम से उससे मिलना चाहता था। मतलब कभी कभार मैं भी ट्रेन की व्लॉग्स बना देता हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, तो वही है। और काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था उससे मिलने का और आज जाके फाइनली वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मल्हार सर, जैसा कि आपने कहा था कि तारीफ कर दो व्लॉग में, तो देखो मैं अभी तारीफ कर दिए, तो 500 रुपये जीपे कर देना। मतलब आई होप कि इतनी तारीफ बस हुई, मतलब अगर और तारीफ करनी तो अगले व्लॉग में कभी कर दूंगा। अच्छा एक्चुअली हम एक दूसरे को सर करके बुलाते हैं, हालांकि वो मेरे से 2 साल छोटा है, फिर भी मैं उसको सर बोलता हूँ और वो भी मेरे को सर बोलता है। अभी मजाक में बोलते हैं या आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं या अभी तक मेरे को पता नहीं चला, पर बोलते हैं सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। फाइनली वो आ गया है, मतलब पिंपरी तो छोड़ दिया है, अभी चिंचोड़ स्टेशन भी पहुंच गया होगा। बहुत दूर नहीं है पिंपरी स्टेशन और चिंचोड़ स्टेशन, और एक्चुअली मेरे को लगा भूल गया क्या वो, क्योंकि 45 मिनट्स हो गए मैंने जब वो जो आखिरी वाला क्लिप शूट किया था ना, तो उसके बाद 45 मिनट्स हो गए, मेरे को लगा भूल ही गया। फिर वो बोला कि नहीं आ रहा हूँ मैं, बैठ गया, मतलब लोकल के लिए वेट कर रहा हूँ और बैठने ही वाला हूँ ऐसा बोला था। तो अभी चलते चिंचोड़ रेलवे स्टेशन के लिए और आई एम डैम एक्साइटेड। तो बेसिकली चिंचोड़ स्टेशन का जो ट्रेन का डब्बा है ना, उसको उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया है, आप देख सकते हो, पर वो बंद है। तो ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया ये। तो मल्हार आ रहा है, तो यहाँ पर हमें मल्हार सर मिल चुके हैं स्टेशन से डायरेक्ट। मैं अकुर्डी में लेके आया दिल्ली स्वाद करके, मैं एक जगह पे लेके आया हूँ सबसे बेस्ट जहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है ना। मैं एक्चुअली हर टाइम खुद जब आता हूँ, पर्सनली जब भी आता हूँ चिंचवाड़ इधर ही आता हूँ, सबसे बेस्ट मतलब मैं नॉर्थ मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वहाँ का खाना ना सबसे बेस्ट होता है, यहाँ पे जरूर आ सकते हैं। हाँ तो ये मुझे लेके आया, तो मैं भी पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, तो लेट्स ट्राई इट। तो यहाँ का मेन्यू कार्ड ना कुछ इस तरीके से है, मैंने क्या मंगवाया है, ये अमृतसरी कुलचा विद छोले, और कभी मैंने ट्राई नहीं किया जिंदगी में। सर का व्लॉग देख के वो भाई का व्लॉग देख के मैं वो अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल वाला याद है क्या, हाँ वो तू इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, तो मैंने बोला था अमृतसरी कुलचा पार्सल लेके आओ, उसका तो मतलब चैलेंज ही नहीं है, वो वही जगह सबसे बेस्ट होता है। फिर भी अगर मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ कोई चिंचवाड़ से कोई पुणे से देखना है, अगर आपको नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो मैं पर्सनल रिकमेंडेशन है यहाँ पे जरूर आना, बहुत बढ़िया बताया। तो एक्चुअली वो आपके ब्लॉग की वजह से मैं अमृतसरी कुलचा ऑर्डर किया, मैंने अच्छा मिलता है। और आपने क्या ऑर्डर किया, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का ऑल टाइम फेवरेट है, किधर है वो, होगा कहीं पे। तो बाकी मेन दिखा दो यहाँ पे, ये है ना चाट आइटम्स, ये भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो दिल्ली स्टाइल नॉर्थ इंडियन स्टाइल मिल जाएंगे, तो रेट्स भी रिजनेबल है, ज़्यादा महंगे नहीं है।
महंगे तो थोड़े बहुत हैं ऑब्वियसली, यही अगर आप जाकर अमृतसर में जाओगे जाके खाओगे तो सस्ते में मिलेगा, क्योंकि वो लोकल लोकल फूड है ना वहाँ का, इसीलिए। तो यहाँ पर जो अमृतसरी कुलचा विद छोले है वो आ गया है। तो ये कुलचे है, ये छोले की सब्जी है, और यहाँ पर काइंड ऑफ आचार है, ये प्याज है, नींबू है, ये पनीर टिक्का है, तो ये बेसिकली पनीर का बना है। ये क्या है भाई? वही आचार टाइप की होता है, बट इसमें ये चटनी सॉस, ये तो बता दिया शिकंजी, तो टेस्ट करके बताते कि कैसा लगता है। तो पहली बार जिंदगी में कुलचा ट्राई कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म सर्व किया है, तो पहला बाइट देखते खाते चटका चटका बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। इसके अंदर स्टफिंग होगी, देखो आलू की। हाँ एक्चुअली ये स्टफिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन था ना वो कमाल का है। थोड़ा सा स्पाइसी है, पर इतना मेरे को चलता है क्योंकि मेरे को स्पाइसी पसंद है। बाकी छोले का स्टफिंग है, इसकी वजह से थोड़ा वो जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाता है। और थोड़ा आचार के साथ भी खा के देखता हूँ, घी बहुत ज़्यादा डाल लगाया हुआ है। ये पूरा खाना रह जाएगा, इसको टुकड़ा करके खाओ, इसको ऐसे मत खाओ, इसको हाथ में लो, कैरेट को अच्छा। हाथ में लो और थोड़ा सा खाओ ऐसे, हाँ थोड़ा सा खा लो, ऐसे भी खा सकते हो, सही है। पहली बार खाया हुआ, पसंद आ गया मेरे को। तो व्यूअर्स को रेकमेंड करोगे ये जगह? जरूर रेकमेंड करूंगा। अभी तो पुणे का खाया है, जल्दी अमृतसर का भी खाऊंगा। भाई अभी ये खा के बताइए कैसा लगता है। एक बात अच्छी है कि इसके साथ कैप्सिकम भी दिया है, टमाटो भी दिया है और प्याज भी दिया है। मेन बात ये है, ये सब चीज़ें मैटर करती बहुत, इवन धनिया से कोटिंग किया है चटनी के साथ करके टेस्ट, ऑल टाइम बेस्ट। आपने तो बहुत बार खाया होगा। मेरा जगह ही बहुत पसंद है, जो पनीर को एकदम टेंडर एकदम मस्त बनाया, बहुत अच्छा टेस्ट। और ग्रीन चटनी है, थोड़ा सा कलर मारा हुआ है ग्रीन चटनी पर, बट फिर भी टेस्ट काफ़ी अच्छी है। और ये जो है एक सलाद टाइप, इसको भी टेस्ट करते हैं। इसको जो रेटिंग है वो कितना देना चाहोगे? 100 में से 100 नंबर भाई। ऑन दिस स्केल ऑफ 1 to 10, 10 on 10? 10 on 10, ऑन दिस स्केल ऑफ 1 to 10, 10 on 10, और मस्ट रिकमेंडेड है। इधर आके आप ट्राई करो, रेट थोड़े हाई है बट फिर भी टेस्ट आपको ना इन्हीं स्टाइल का मिलेगा। तो जो छोले कुलचे की रेटिंग है ना वो मैं देना चाहूँगा 10 on 10। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पहली बार खाया है ना तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आ गया है। दोनों जो डिशेज है ना वो मस्त ट्राई। तो अभी पूरा जो ये खाना है वो ख़त्म करते हैं और फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो जो हमारा मेन कोर्स था वो तो खा के ख़त्म हो गया है, और अभी बल्लर भाई पानी पूरी ट्राई करने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छी होती है, दिल्ली स्टाइल होती है एकदम, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ मुझे बहुत पसंद है नॉर्थ इंडियन फूड, तो यहाँ का तो और ही अच्छा मिलता है। बहुत बार आता हूँ यहाँ पर, रहता हूँ यहाँ से मेरा घर लगभग होगा 20 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर पर स्पेशली आता हूँ। लोकेशन मत रिवील करना। नहीं, वो नहीं कर दूंगा, बट फिर भी बता रहा हूँ, फैंस आपके घर आ जाएंगे। फैंस का भाई, फैंस तो आपके हमारे घर। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भाई कैसी लगी पानीपुरी एवरेज है, 35 रुपीज़ एक प्लेट की कॉस्ट है, टोटली नॉर्थ वर्थ है। इधर आगे पानीपुरी मत खाओ, बाकी सब्जी ट्राई कर सकते हो। पानीपुरी खाना तो वहाँ जाकर ठेले पे खा लेंगे, वहाँ वहाँ अच्छे मिल जाएंगे। फिर जो वेजिटेबल 35 रुपीज़ के लिए नहीं, और इवन 3-4-5 पूरी आती है, तो आप ही इसका आकलन करो। रेटिंग 3 out of 10। भी आया हूँ मल्लार को छोड़ने के लिए चिंचोड़ रेलवे स्टेशन पे, और भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया, और मतलब खर कुछ दिखा नहीं पाया व्लॉग में, क्योंकि
बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ बातें हुई, काफी सारी नॉलेज हमने एक्सचेंज की। क्यों भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस पर्सनालिटी। बाकी स्टेशन में आ चुके हैं और निकलना पड़ेगा अभी यहाँ से। मेरे को तो मतलब मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था तेरे से मिलने के लिए। भाई सेम ईयर सेम ईयर, और मुझे तो काफी मजा आया तेरे से मिलके। नहीं नहीं सच में मुझे भी अच्छा लगा। अगर कोई देख रहा नया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मेहनत करके ब्लॉग्स बनाते हैं, एडिट करके डालते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, आपको एंटरटेन करने के लिए एट द एंड डालते हैं, देख लेना जरूर। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। और होपफुली कभी मिलेंगे एक साथ में। मैं तो जरूर बोल रहा हूँ कि भाई जर्नी करो भाई, आप कमेंट करके बोलो जर्नी करने के लिए। वो वंदे भारत का करेंगे। अरे बिल्कुल, वो एक सरप्राइज आएगा, बस थोड़ा सा रुकिए, बहुत बढ़िया सरप्राइज आएगा, इसके साथ ही आएगा वो एकदम पर ब्लॉग रहने वाला है। बिल्कुल, चलो भाई अच्छा लगा मिलके। यस सेम ईयर ब्रो, जरूर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक आगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके यूट्यूब के फ्यूचर के लिए। आपको भी, आप तो अभी काफी आगे जाने हैं आपको तो। यस यस बिल्कुल। तो चलो बाकी अगर आपको मेरे पुणे के फूड व्लॉग्स देखने ना, तो यहाँ पर आप, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने ना, तो यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो दोनों में से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।